जोरदार बारिश लगी आज क्या चार दिन से बारिश से इतना बुरा हाल है। ये खिड़की से ले रही हूँ मैं वीडियो, इसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। आज तो अलर्ट भी किया है, तो नमस्ते मैं जुदेव बुटोला आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें मैं खूबसूरत शहर मुंबई से, और टाइम रस ऊपर का वो नहीं 12 से ऊपर हो गया है। नाश्ता नुश्ता तो हमने आप बहुत जल्दी कर दिया था, तो थोड़ा सा बैठी थी नाश्ता करके, मतलब नुर्तन धोए मैंने थोड़ा आराम करते, लेटी तो नहीं थी लेकिन खाली बैठी थी। अब कपड़े जो धुले कपड़े थे उनको सुखाने के लिए डाला। इधर मुंबई में बारिश, इतनी बारिश है जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश हो रही, रुकने का नाम नहीं है। 24 घंटे बाप रे ऐसे लग रहा कि आसमान अभी गिरेगा, मतलब आफत की बारिश है। ना बाहर जाने को ना अंदर रहने को, क्योंकि अंदर भी कपड़े सुखाने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है। दिन रात पंखे चल रहे लेकिन तभी कपड़े नहीं सूख रही, बहुत परेशान हो गई। आज है संडे तो बच्चों का आज छुट्टी, तो आज तीनों बच्चों का छुट्टी। वैसे भी जल्दी का तो अभी छुट्टी है कॉलेज का, लेकिन प्रवेश को सिखाई स्कूल है तो आज संडे है, तो आज बच्चों का छुट्टी है। तो अभी तक सोए थे, अब खुशी उठी, अभी जगदीश उठा तो मैंने बोला 12 तो बस गया, मैं आ गई फिर से अपने प्यारे से किचन में बनाती हूँ दोपहर का लंच। मैंने बोला ये 12 बजे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तो नहीं बना सकती हूँ, दो टाइम नाश्ता तो नहीं बना सकती हूँ, अब दोपहर का खाना बनाती हूँ फटाफट, खाना होना खाएगी क्योंकि उसके पापा को भी अभी ड्यूटी जाना है, पहले खाना होना बना देती हूँ। दो टाइम तो बनाना चाहे जल्दी बनाओ या लेट बनाओ, तो चलो करती हूँ अपना प्रोसेस शुरू। यह है मेरा प्यार, तो आ गई मैं अपने प्यार से किचन में, मेरा प्रोसेस शुरू हो गया है। तो बच्चों के लिए मैं बंद गोभी की भाजी बना रही हूँ, और बड़ों के लिए मैं बीन्स की भाजी बना रही। इधर मैंने तूर दाल बच्चों के लिए तूर दाल बनाई, पानी गर्म करके रख दिया। इधर मैंने भात रखा है, इसमें मैंने गांव की दाल रखी है, और ये कढ़ाई रख दी मैंने, फटाफट बनाती हूँ खाना। तो ये अपना प्रोसेस शुरू हो गया है। मैंने इधर भाजी के लिए मैंने आलू रख दिए हैं, मैंने कढ़ाई रखी, फिर आलू को बॉईल करती हूँ, उसके बाद खाना काटती हूँ। इधर मैंने दो किस्म की भाजी काटी है, दाल मैंने दो किस्म की बनाई है, एक है तूर दाल एक है गांव की दाल, तो दोनों दाल बॉईल हो गई। इधर भात रखा है, भात उबलने बैठ गया, तब तो मैंने बोला भाजी बना, भाजी भी दो किस्म की भाजी बनानी है। खाना बनाते बनाते थक गई था शाम से, खाने वालों के नखरे। एक बोरा मेरे को ये दाल नहीं चाहिए, दूसरा बोरा मेरे को ये भाजी नहीं चाहिए, मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी परेशान हो जाती हूँ क्या करना। बोलते ना अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देते देते फिर लोग ये तो होने दो, अभी मेहनत करनी है अपने को, बाकी करवाने के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। गोभी की भाजी भी काटी है मैंने, तो बच्चों के लिए मैंने ये बंद गोभी काटी है, आलू बंद गोभी काट रही सब में, और काटी है मैंने के अपने लिए, हम दोनों के लिए तीनों के लिए बीन्स की भाजी। एक तो बारिश से बाहर इतना बेहाल है, बाहर जाने को नहीं हो रहा, छाता भी लेके जाओ तो कितना, इतनी मोटी बारिश पड़ रही, छाते के लिए कुछ नहीं बच रही है, इतने मोटे मोटे बूंद पड़ रहे पानी के, मतलब इतनी जोरदार बारिश आ रही है, छाता मतलब उड़ा है, इतनी जोर से लग रही छाते पे अंदर आ रहा था, परेशान करे तो करे,
देखती हूँ शाम तक, अभी तो नहीं जाएगी ना, शाम को जाएगी बाहर, बारिश आई या कुछ का है। थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगा लिया, लेकिन कि भाजी वूजी है कांदे मंगाए हो तो भी नहीं, बाकी घर का सामान और दूध उसके पापा लेके आ गए। जब तक ये भात बनता है इधर, तब तक एक चूल्हे में मैंने इधर भाजी रखे और दूसरे में मैं दूसरी भाजी रखती हूँ। क्या निकालना है? दूसरी भाजी रखती हूँ, उसके बाद तब तक भात बन जाएगा, तब उसके बाद मैं दाल में मसाला बनाएगी। बाहर जाके भी कैसे वीडियो बना रहा, बाहर जाने को नहीं हो रहा, बाहर पूरा रोड में पानी भरा, इतना हालत खराब हो गई, क्या बोले। बस थोड़ा गर्म मसाला भी डाल दिया, ठंडी हो रही, क्या मानो कि कल पूरी रात इसकी आना के हालत खराब हो गई। अरे पंखा बंद किया ना, पूरी बारिश की आवाज़ आ रही, इतनी जोरदार बारिश लगी है। तो चुका कर वो आज इसको नहीं, कल वो चुका स्कूल का, कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई। बस इधर मैंने भाजी रख दी है, देख मेरे कान में खुजली हो रही, पता नहीं क्यों हो रही, खुजली में परेशान हो गई, बार बार एक कान इतना खुजला रहा है पता नहीं क्यों। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने भाजी, ये मैंने बंद गोभी की भाजी इधर मैंने, इसमें मैंने गाँव वाली दाल रखी है, बॉयल करी है, ये भात उबलने बैठ गया, इस पर मैंने तोड़ दाल रखी है, मतलब बॉयल हो गई है, और ये बीन्स मैंने साफ करके रख दी है। अब इधर पहले ये मसाला बना दिए थे मैंने, अब ये भाजी डाल दी मैंने, और क्योंकि मैंने एक हाथ में ना कैमरा पकड़ा है तो एक ही हाथ से काम करी, इतना तो होता नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। पहले इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से, उसके बाद इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए, मसाला मिक्स करके ना, बस अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ, 5-10 मिनट के लिए ढकने के लिए रखती हूँ। जोरदार बारिश शुरू हो गई, कुछ इतना परेशान हो गई है बारिश, ये अपनी सोसाइटी के बाहर का है। पूरे पौधे ना झुक गए थे, बोले इसकी चाट है नहीं थी, चारों झुक गई, फिर ये बाजू में है डाल तो ये पूरी झुक गई, और बारिश देखने आने ये मूसलाधार बारिश लगी, बाहर बाहर जाने को नहीं हो रहा था। इधर मेरी भाजी बन गई, बंद गोभी की भाजी, इधर भात बन गया, और इधर बीन्स की भाजी बन गई। तो कितना जल्दी जल्दी बना मेरा खाना, अभी दाल भी बनाती हूँ, सब प्रोसेस साथ में दिखाती हूँ। दोस्तों ये है था गाँव की दाल, इसको मैं ये सिलोटे में पीसेगी, ये सिलोटा है, इसमें पीसेगी, बारीक करेगी जिससे इसका रसा गाढ़ा हो जाए। दोस्तों खाना होना खा लिया मैंने, बाहर इतनी बारिश है, आप बोल रहे होंगे कि बार 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 बारिश हो रही, बाहर का मौसम का हाल दिखाना था, लेकिन जाऊँ कैसे, बहुत ज़्यादा बारिश। खाना खा लिया, बाकी बर्तन मैंने धो दिए थे, और अपनी प्लेट यहीं पे है। तो चलो आज के वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, अगर टाइम लगेगा तो बाहर जाएगी, नहीं लगेगा तो हो गया। तो कपड़े मैंने ये ऐसे रस्सी में सुखाने के लिए डाले अंदर, और कुछ कपड़े ये देखो बाहर, ऊपर 3 रस्सी हैं, चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8 रस्सियाँ बांधी है मैंने, थोड़ा सा पानी नितर जाता है, उसके बाद मैं अंदर हैंगरों में डालती हूँ। अंदर हैंगर में डालने के बाद भी कम से कम 3 दिन में कपड़ा सूख रहा, दिन रात पंखा चल रहा है तो भी नहीं सूख रहे, क्योंकि बाहर की हवा तो आ ही नहीं रहे, बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही, और उसकी वजह से ना अंदर के कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो चलो आज के वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, मिल जाए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।